सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। शतरंज के खेल का बादशाह है वो। नाम? विशाल सक्सेना। पूरे 5 लाख रुपए हैं इसमें। काम हो जाना चाहिए। ये गया तुम्हारा बादशाह। चेक और मीट। यहाँ की जीत पर इतना भी खुश मत हो विशाल के, वहां की हार तुम्हारे लिए मातम बन जाए। हाय, कौन था ये लड़का? डैडी, वो विशाल सक्सेना। विशाल सक्सेना, लास्ट ईयर का नेशनल शतरंज चैंपियन। और मुकेश सक्सेना का बेटा जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। जी, आप जानते हैं उसे? बहुत अच्छी तरह। ये विशाल से तुम्हारी सिर्फ दोस्ती है या? मैं प्यार करती हूँ उससे। और विशाल? वो भी तुमसे शादी करेगा? वही तो हम चाहते हैं। तुम्हारे और उसके चाहने से कुछ नहीं होता। उसने अपने चाचा रंजीत सक्सेना से बात की है? इसमें बात क्या करना है? बिजनेस के तौर तरीके मुझे सीखना नहीं है किसी से। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। लेकिन अंकल, प्रॉपर्टी बेचने का सवाल था, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। मैंने सोचा तुम शतरंज की कॉम्पिटिशन में बहुत बिजी हो, तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे तुम्हारी तैयारियां कैसे चल रही हैं? जोरदार अंकल, किसी भी कीमत पर मुझे इस इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में सिलेक्ट होना ही है। श्रीकांत अपने दौलत के जोर पर इस चैंपियनशिप में जरूर सिलेक्ट होने की कोशिश करेगा। अगर श्रीकांत के पास दौलत है, दौलत तुम्हारे पास भी कोई कम नहीं है। बरखुरदार, आज की सबसे बड़ी सच्चाई दौलत है। अगर श्रीकांत अपनी तरफ से जोर लगाना चाहता है तो लगाने दो, हम भी देख लेंगे। वैसे अंकल, आज की हार से बहुत बुरी तरह तिल मिला उठा है श्रीकांत। उसकी इस हार का और तुम्हारी इस जीत का कोई महत्व नहीं। महत्व उस जीत का होगा जो तुम्हें वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में भेज सके। ये चेक और मेट। यार ये कैसे हो सकता है यार? देखने दे, देखने दे, एक सेकंड। नहीं, यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं जा सकता। अरे हाँ यार, बस क्या, ये तो गेम खत्म हो चुकी है विशाल बाबू। यार तो वाकई चेक इन मेट है, हाँ क्या बात है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो बैठो। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अब अच्छी है। विशाल, कल शाम में दिल्ली जा रहा हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगा। वैसे भी तुम्हारा कंपटीशन तो 3 दिन बाद ही है ना? अंकल, मैं सिलेक्शन मिस नहीं करना चाहता। अब दिल्ली जा रहे हैं तो मुझे जो कुछ करना था मैंने सब कर दिया है, आगे भी कुछ करना है। लेकिन जैसे मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, दौलत में बहुत ताकत है। और अब भी कहता हूँ, सिलेक्शन
यकीनन तुम्हारा ही होगा। थैंक्स अंकल, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। मुझसे जो हो सकता है मैं करूंगा, बाकी तुम्हारा टैलेंट। ओके अंकल। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। कैरी ऑन, कैरी ऑन। चल आरोग्य मुझे। हाँ लेकिन मुझे जाना है यार। कहाँ जा रहा है? घर जाऊँगा और क्या। चल यार तुझे छोड़ देता हूँ, आ जा। तू कहाँ जा रहा है? आनंद आज क्या है? आज बुधवार है और क्या। आज किसकी बारी है? मधु। विशाल, डैडी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने तो कह दिया मैं और तुम शादी करना चाहते हैं। शादी? मधु ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, प्यार की मंजिल तो शादी ही होती है ना विशाल। मधु तुम क्या समझ बैठी हो? देखो साथ में घूमना फिरने डिस्को जाने का मतलब प्यार नहीं होता। ये शादी के सपने देखना बंद करो, तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो। हाँ इसका मतलब जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि हर रोज तुम्हारी एक नई दोस्त होती है, वो सही था? हाँ भाई, हम तो ऐसे ही है। देखो मधु, तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो, वो नहीं जो मेरी बीवी बनेगी, समझ गई? विशाल, तुम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों भाई, तुम में कौन से हीरे जड़े हैं? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। लगता है दौलत के नशे ने विशाल का दिमाग खराब कर दिया है। मैंने उससे उसकी दौलत के लिए तो प्यार नहीं किया था डैडी। वो कह रहा था तुम वो नहीं हो जो मेरी पत्नी बनोगी। मुझे वही देखना है कि वह कौन है जो उसकी पत्नी बनेगी। अहंकार में इंसान अक्सर अपनी ही बर्बादी की बुनियाद तैयार कर लेता है। मैं कल ही उसके चाचा रणजीत सक्सेना से मिलकर बात कर लूंगा। मुझे लगता है आप किसी धोखे में हैं, जिसे आप प्यार समझ बैठे हैं। वो आजकल के बच्चों के लिए एक खेल है, साथ में घूमना फिरना, नाचना गाना, साथ में रहना वगैरह वगैरह। अगर ये सच्चा प्यार होता तो विशाल खुद आकर मुझे बताता। मैं आपके पास ये समझ कर आया था कि बच्चे अगर गलतियां करें तो बड़े उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसकी गलतियों को शह देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता। और आपकी बातों से मुझे लगता है ये विशाल के लिए एक जाल है जिसे लेकर आप मेरे पास आए हैं। ये आप क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता। अब आप जा सकते हैं। चाहता हूं, लेकिन आपके विशाल को यह शौक जहां से भी लगा है वो बहुत बुरा शौक है। उसे समझा देना कि हर चीज पिकाऊ नहीं होती है और हर लड़की खिलौना नहीं होती है। कभी कभी ऐसा शौक बहुत महंगा पड़ जाता है। आप जा सकते हैं। आप भी याद रखना मिस्टर रणजीत सक्सेना कि औरत की आह आदमी को तबाह कर देती है। छुट्टा रख लो, रख लो। अरे सुन, किसी को अंदर मत आने देना। लेकिन माँ तुमने दवाई खाई या नहीं? माँ तुम दवाई में, पहले दवाई खाओ। नहीं नहीं, अभी फोन रखने के बाद पहला काम करो, दवाई खाओ। मैं आ रहा हूं अभी, मैं यहाँ विशाल के घर पे हूँ, आ जाऊंगा आधे घंटे तक आता हूँ। हाँ ओके। आनंद, आनंद, आनंद क्या हुआ? तू इतना घबरा रहा क्यों? बोलना क्या हुआ? आनंद किसी ने मेरा एक्सीडेंट करके मुझे मारने की कोशिश की। What? ये कब हुआ? अभी अभी अंकल को एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा था ना, तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, टायर पंक्चर हो गया था, टायर चेंज करा था तभी हादसा हुआ। Oh my God, तो बहुत खतरनाक बात हुई विशाल। हमें फौरन पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। पुलिस?
पुलिस क्या कर लेगी? क्या कर लेगी क्या मतलब? तुझे प्रोटेक्शन देगी और क्या करेगी? और जरा सोच विशाल, जो लोग सरेआम तुझ पर हमला कर सकते हैं, अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि तू यहां अकेला रहता है, तो वो यहां आकर भी तुझ पर हमला कर सकते हैं। लेकिन आनंद, लेकिन लेकिन कुछ नहीं विशाल, तुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए बस। इंस्पेक्टर भारत हियर। इंस्पेक्टर साहब, अभी भी मुझे मेरा एक्सीडेंट करके मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहे हो तुम? मैं चेस चैंपियन विशाल बोल रहा हूं। मैं जेवीपीडी स्कीम 10th क्रॉस रोड सक्सेना हाउस में रहता हूं। मिस्टर विशाल सक्सेना, यू फोन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, तुम यहां पर आओ, यहां बैठ के बात करो, रिपोर्ट करो। देख, मैंने तेरा काम कर दिया, अब एफआईआर दर्ज करने के लिए मैं तेरी जगह पुलिस में तो जा नहीं सकता ना। लेकिन वो तो तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि साइन तो तुझे ही करना है ना। देख, मुझे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मायने अभी तक दवाई नहीं खाई होगी, मेरे बिना वो दवाई खाती नहीं है। तू जाकर रिपोर्ट लिखवा के आ, मैं आपको दवाई खिला के आता हूं। ओके? कमाल है मिस्टर विशाल, ना तो आप एक्सीडेंट की कोशिश करने वाले का हुलिया जानते हैं, और ना ही आपने उसकी कार का नंबर देखा है, और आपको किसी के ऊपर शक भी नहीं है। अब आप ये बताइए कि हम किस बुनियाद पर अपनी छानबीन करें। सर, मैं क्या बता सकता हूँ। ठीक है मिस्टर विशाल, हमने आपकी एफआईआर दर्ज कर ली है, प्लीज आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। विशाल, ये एक्सीडेंट तुझे जान से मारने के लिए नहीं, बल्कि तुझे घायल करने के लिए किया जा रहा था, ताकि तू इस कंपटीशन में भाग ही ना ले सके। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और अगर ये कोशिश श्रीकांत की है ना, तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर वो याद रखेगा। देख। हेलो। हेलो आनंद, विशाल को फोन देना, मैं मधु बोल रही हूँ। मधु का फोन है तेरे लिए। बोल दे घर पर नहीं हूँ। मधु वो घर पर नहीं है, कोई मैसेज अगर है तो बताना, मैं दे दूंगा। मैं जानती हूँ कि विशाल वही है। कुछ लोग समझते हैं कि आंखें बंद कर लेने से सारी दुनिया में अंधेरा हो जाता है, विशाल भी शायद उन्हीं में से एक है। मतलब? उससे कहना कि वो मेरी ओर से आंखें बंद करने की कोशिश ना करे। अगर वो फोन पर बात करना नहीं चाहता तो मैं खुद उसके पास आकर जवाब ले लूंगी। यार, ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। आज दिन में उसका बाप मेरा अंकल से मिलने आ गया था। कौन है, कौन है, कौन है? तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं विशाल, एक बार बच गया, दोबारा नहीं बचेगा। मौत किस रूप में आएगी तू सोच भी नहीं सकता, तू जल्द ही मरेगा। विशाल, ये आवाज कैसी आई थी? आनंद, आनंद ये देख, जिन लोगों ने एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी ना, मारने की धमकी दी है। विशाल, अब तो तुझे पुलिस प्रोटेक्शन ले ही लेनी चाहिए। पहले एक्सीडेंट करवा के तुझे जान से मारने की कोशिश की गई, और अब ये धमकी भरा खत, अगर उन्होंने फिर से तुझे जान से मारने की कोशिश की तो? गया तो था पुलिस के पास, क्या कर लिया पुलिस ने? आनंद, अब तो यही मेरे लिए काफी है। लेकिन दो दिन के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेने में क्या हर्ज है? आनंद, ये है ना मेरे पास। नहीं, तुझे पुलिस प्रोटेक्शन लेनी ही पड़ेगी। देख, अगर तू नहीं जागा ना मारने के लिए,
तो मैं जाऊंगा, और अगर उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए इनकार किया तो मैं रहूंगा तेरे साथ यहां। आनंद आनंद सुन, आनंद कि हम उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं, मगर उसके लिए मिस्टर विशाल को खुद ही आना चाहिए था। देखिए इंस्पेक्टर, उस धमकी भरे खत के बाद वो बहुत परेशान हो गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, उसकी जान को खतरा हो सकता है। सर, ये मिस्टर विशाल के दोस्त हैं। हेलो, आई एम आनंद, और ये चाहते हैं कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। मिस्टर आनंद, हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिए देते हैं, आप जरा बाहर बैठिए। वो नाइट ड्यूटी के कांस्टेबल से भी आए नहीं हैं, वो आते हैं तो हम उनको आपके साथ भेज देते हैं। एनीवे, थैंक यू। श्रीवास्तव, वो दिल्ली से चिट्ठी आने वाली थी, उसका क्या हुआ? सर, वो टेबल पर ही रखी हुई है। जय इंस्पेक्टर भारत हियर। विशाल बोल रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है, यहाँ बगल में कोई आया हुआ है। विशाल, हम लोग पुलिस प्रशासन। और कोई रास्ता अंदर जाने का? सर, पीछे की और एक खिड़की है। श्रीवास्तव, यस सर, कोशिश करो। ओके सर। विशाल, दरवाजा खोलो। विशाल, डरने की कोई बात नहीं है, इंस्पेक्टर भारत मेरे साथ हैं। So he's murdered. Vishal, excuse me please. Sir, ऐसा लगता है कि ये फोन कर रहा था और उसी वक्त इसको गोली मारी गई है। इसे कानून की नजरों से भी देखो श्रीवास्तव, तुम्हें कुछ और नजर आएगा। कानून? कानून तो अंधा होता है। कानून अंधा नहीं होता मिस्टर आनंद, बल्कि उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। और जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हो, कोई जरूरी नहीं कि वो अंधा हो। और कानून की आंखों में पट्टी इसलिए बंधी होती है क्योंकि वो नहीं देखना चाहता जो अपराधी उसे दिखाना चाहता है, बल्कि अपनी दिव्य दृष्टि से वो वहां तक देखता है जहां अपराध पैदा होता है, पलता है और बड़ा होता है।
श्रीवास्तव, दरअसल इसे मारने के बाद उस पोजीशन पे लेटाया गया, क्योंकि अगर गोली उस पोजीशन पे मारी होती तो गोली यहां नहीं आती। श्रीवास्तव, यस सर, इस बुलेट के सीरीज नंबर से पता लगाओ कि ये किसके लिए जारी की गई थी। ओके सर। रीडायल करके पता लगाओ कि ये नंबर पुलिस स्टेशन का ही है या कहीं और का है। ओके सर। मैं जरा वॉचमैन से मिल के आता हूँ। राइट सर। क्या नाम है तुम्हारा? राम सिंह। राम सिंह, तुमने गोली की आवाज सुनी और पुलिस स्टेशन में फोन नहीं किया, इत्तला नहीं की तुमने? साहब, मैंने फायर की आवाज नहीं सुनी। मेरे दोस्त लोग कुछ मुल्क से आए हुए थे, उनको छोड़ने के लिए मेन गेट तक मैं गया हुआ था साहब। अच्छा राम सिंह, हमारे आने से ठीक पहले तुम कहाँ थे? साहब, 9 से 9:30 बजे तक विशाल साहब एक क्राइम सीरियल देखते हैं और वो सीरियल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज 9 से 9:30 के बीच में तुम उस सीरियल देख रहे थे? जी हाँ साहब। उस सीरियल तुम कहाँ से देखते हो? पीछे वाली खिड़की से खड़े होकर। विशाल साहब भी जानते थे लेकिन उन्होंने कभी सीरियल देखने के लिए मना नहीं किया। मिस्टर आनंद, विशाल की किसी से कोई खास दुश्मनी थी? मेरा मतलब ऐसी दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं थी कि बात कत्ल तक पहुंच जाए। हाँ, कंपटीशन को लेके श्रीकांत के साथ कुछ झगड़ा तो जरूर हुआ था। ये श्रीकांत कौन है? उसका कलीग। आप यहाँ से कितने बजे गए थे और उस वक्त विशाल क्या कर रहा था? उस वक्त करीब 9:45 बज रहे थे। विशाल उस धमकी वाले खत को लेके बहुत परेशान था, इसलिए जब मैं यहाँ से निकला तो मैंने वॉचमैन को खास तौर पे कहा कि किसी अनजान आदमी को अंदर मत आने देना। सर, रिडायल करने पर वो नंबर पुलिस स्टेशन का ही निकला। ठीक है श्रीवास्तव, फिलहाल तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सर, उस बुलेट के बारे में हमने पता लगा लिया है, वो मिस्टर रंजीत सक्सेना के नाम पर जारी किया गया। What? मिस्टर रंजीत सक्सेना के नाम पर। वो तो दिल्ली में। श्रीवास्तव, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ तो ऐसा है जो हमारे सामने है, हम देखकर भी देख नहीं पा रहे, इसलिए ये मामला बिल्कुल पेचीदा होता चला जा रहा है। दरवाजा बंद था, कातिल अंदर गया कैसे, और 9 और 9:30 के बीच में वॉचमैन उस खिड़की पे खड़ा था। यू आर राइट सर, लेकिन श्रीवास्तव पता लगाओ कि रंजीत सक्सेना दिल्ली से वापस कब आ रहा है। सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन क्या किया जाए? आप तो ये कर सकते हैं कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ें और ताकि कातिल को उसके किए की सजा मिल जाए। हाँ, लेकिन कातिल का कुछ पता चला? जी पता तो नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये बताइए मिस्टर सक्सेना कि आपकी रिवॉल्वर कहाँ है? वो तो मैं विशाल के पास ही छोड़ कर गया था। हाँ, मैंने उसी के पास देखा था, क्योंकि जब उसे धमकी मिली थी तब उसने मेरे सामने चेक किया। आप
दिल्ली कब गए थे? 2 दिन पहले। वहां से आपकी विशाल के साथ फोन पर कोई बातचीत हुई थी? जी नहीं, कल रात 9 और 9:30 के बीच में मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन हर बार टेलीफोन एंगेज ही मिला। कितने बजे कहा आपने? 9:30। कातिल को यह पता चल गया था कि विशाल घर पर अकेला है और उसके पास रिवॉल्वर है। 9 और 9:30 के बीच में फोन एंगेज क्यों था? वैसे मिस्टर सक्सेना, आपकी नजर में विशाल का कोई दुश्मन था? वैसे दुश्मनी तो किसी के साथ में नहीं थी उसकी, लेकिन सुरेंद्र मेहता जरूर उसका दुश्मन बन गया था। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी मधु विशाल से प्यार करती थी, लेकिन विशाल ने मधु से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। सुरेंद्र मेहता, विशाल जैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। लेकिन कातिल का हश्र होना अभी बाकी है। आप? जी हाँ, इंस्पेक्टर भारत, आप लोगों की बातों से ऐसा जान पड़ता है कि आप लोगों को विशाल से काफी नफरत थी। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल मैं आप लोगों से ये पूछने आया हूँ कि कल रात 9:30 बजे आप दोनों कहाँ थे? ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पुलिस को यह शक है कि विशाल का कातिल वही हो सकता है जो उसके बहुत करीब था। आप दोनों तो विशाल के बहुत करीब थे ना? आप कहना क्या चाहते हैं कि कत्ल हम दोनों में से किसी ने किया है? हो सकता है। नहीं हो सकता है इंस्पेक्टर, कल रात हम दोनों रेसकोर्स क्लब की पार्टी में थे। आप चाहे तो अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। कितने बजे पहुंचे थे आप पार्टी में? यही कोई 9:30 के करीब। अच्छा, आप ये बताइए कि आप तो विशाल की बहुत करीब थी, विशाल पे हमला कौन कर सकता है? उसकी दुश्मनी सिर्फ श्रीकांत के साथ थी, बाकी तो। श्रीकांत? मैं क्यों खून करूंगा उसका? वो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था मिस्टर श्रीकांत, ये मत भूलिए। उसके जीते जी आपके चांसेस बिल्कुल ब्लीक थे, इसलिए हो सकता है आपने उसको अपने रास्ते से हटा दिया। यू नो व्हाट आई मीन? क्या प्रूफ है आपके पास? अगर मेरे पास प्रूफ होता ना मिस्टर श्रीकांत, तो मेरी हथकड़ियां होती हैं और आपके हाथ होते। बहरहाल आप ये बताइए कि कल रात आप कहां थे? कल रात मैं 8 बजे से 12 बजे तक नाइट लवर डिस्कोथेक में था। अब मैं वहां था या नहीं ये पता लगाना आपका काम है। लगा लूंगा। फिलहाल आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। दैट्स एन ऑर्डर। मैं कल सुबह की फ्लाइट से चेस कंपटीशन के लिए पुणे जा रहा हूं, अब मुझे हर हाल में जाना ही है। अगर उससे पहले आप कातिल को अरेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है। आपके ये तेवर आपको बहुत महंगे पड़ सकते हैं मिस्टर श्रीकांत। फिलहाल मैं चलता हूं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर विशाल की मौत रात 8 बजे और 10 बजे के बीच में हुई है। मुझे पता है श्रीवास्तव, 9:30 बजे जब विशाल का टेलीफोन आया उसकी मौत उसी वक्त हुई है। हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उसके एलिबाई बहुत मजबूत हैं, मुझे पता है श्रीवास्तव। लेकिन श्रीवास्तव, मैं ये रंजीत सक्सेना को फिर से एक बार चेक करना चाहूंगा। ओके सर। मिस्टर रंजीत सक्सेना है? बाहर गए हुए हैं साहब। अच्छा, ये बताओ कि तुम विशाल साहब को आखिरी बार कब मिले थे? साहब टैक्सी से उतर के वो गए, बाद में मैंने नहीं देखा। अच्छा, याद करने की कोशिश करो, कोई अजीब सी घटना घटी हो, कोई ऐसी बात जो तुम्हें खटकी हो। हाँ साहब, एक बात अजीब सी लगी थी।
कि क्लाइमैक्स से पहले ही टीवी ऑफ हो गया था। इसमें अजीब क्या है, वो विशाल साहब ने टीवी ऑफ कर दिया होगा? नहीं साहब, रिमोट सामने ही पड़ा हुआ था, विशाल साहब ने उठाया भी नहीं और टीवी ऑफ हो गया। अच्छा, तो बगल में वो टेलीफोन भी तो पड़ा था, उन्होंने उठा के टेलीफोन नहीं किया? नहीं साहब, मैं 5 मिनट तक वहाँ खड़ा था, लेकिन तब तक तो मैंने फोन उठाते हुए नहीं देखा। अच्छा, जहाँ से तुम अक्सर टेलीविजन देखते हो वो जगह बता सकते हो मुझे? हाँ साहब। सर ये टीवी तो खुद बखुद नहीं श्रीवास्तव, इस टीवी में टाइमर सेट है। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। अब चूंकि इसमें टाइमर सेट है तो वो खुद बखुद 9 बजे ऑन हुआ था और अपने आप ही 9:30 बजे ऑफ हो गया था। अब देखना आज भी ऐसे ही होगा। तुम यहां बैठ के इसकी टाइमिंग चेक करो, मैं दूसरे कमरे चेक करता हूं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके सर। सर 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 टीवी अपने आप ऑफ हो गया। उस दिन भी ऐसे ही हुआ होगा श्रीवास्तव। जी दरअसल श्रीवास्तव, कातिल ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है, इसलिए उसने ये साबित करने की कोशिश की कि खून 9:30 बजे के बाद हुआ है। उसने 9:30 बजे पुलिस स्टेशन फोन किया विशाल की आवाज में। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है सर? सर इस समय मैं घर पर नहीं हूं, अगर आप अपना नाम और नंबर छोड़ दें तो मैं लौटते ही आपसे संपर्क करूंगा। धन्यवाद। एक मिनट श्रीवास्तव, एक्सक्यूज मी ऑपरेटर, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट। आप फोन नंबर 9822-786-44, इसका पिछले 3 दिनों का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे अभी देख के बताइए कंप्यूटर में नाउ। थैंक यू ऑपरेटर, थैंक यू। क्या हुआ सर? लगता है हम लोग कातिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं श्रीवास्तव। ये रहा चेक और मेट। एक वो विशाल था जो बादशाह था, मुझे चेक और मेट दिया करता था, और अब तू बादशाह बन गया है। बन नहीं गया, मैं पहले से ही शतरंज का बादशाह हूं।
अनिवे, मुझे कल्याण से पुणे के लिए ट्रेन पकड़नी है, मैं चलता हूँ। तू अभी नहीं जाएगा आनंद। क्यों? पहले खेल मेरे साथ, मैं हराऊंगा तुझे। तू क्या मुझे हराएगा? अगर मेरे पास वक्त होता ना तो मैं तुझे एक बार और हराता, बट यू आर वेरी लकी, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब एक चैंपियनशिप तू जीतेगा? ऑफ कोर्स। इस चैंपियनशिप में तुम भी शामिल हो, ये जानकर ही मुझे हैरानी होगी। लेकिन अब तुम चैंपियनशिप के लिए पूना नहीं, कहीं और जाओगे। एक मिनट, रिवॉल्वर चलाने से पहले गोलियां तो चेक कर लो। गोलियां यहां है। सिर्फ मैं कंपटीशन में जाऊंगा। कल सुबह लोगों को तुम्हारी लाश यहां मिलेगी, और इस बार भी किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। 11:20 को पूना जाने वाली ट्रेन वीटी से निकल चुकी है, और इस समय 11:25 हो रहे हैं। मैं वही ट्रेन 12:15 कल्याण से पकड़ लूंगा। नहीं नहीं आना, नहीं आनंद। यस नो, द गेम इज ओवर श्रीकांत। चेक एंड मेट। इनफ, बस। मिस्टर आनंद, कानून की आंखों में धूल झोंकने की तुम्हारी कोशिश नाकाम हो गई है। Put the gun down. Don't move. Come on, get up. Hilna mat. याद तुम्हें मैंने कहा था मिस्टर आनंद कि कानून की आंखों पे पट्टी बंधी होती है, याद है तुम? विशाल का मर्डर करने के बाद तुमने क्या सोचा कि मैं बड़ी आसानी से कानून की आंखों में धूल झोंक दूंगा? क्यों? ओह माय गॉड, इसका मतलब विशाल को कंपटीशन में जाने से रोकने के लिए इसी ने उसे मारा है। एग्जैक्टली, अब तुम्हारी बारी थी। ओह माय गॉड, और अब तुम्हारी बारी थी। मैं सही कह रहा हूं ना मिस्टर आनंद? आनंद, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो और जवाब दो कि मैं सही कह रहा हूं ना। मैं तुमसे मुखातिब हूं आनंद, जवाब दो मुझे। कम ऑन, स्पीक अप। हाँ, ये सच है। हाँ, ये सच है, क्योंकि ये लोग अपने टैलेंट के बल पे नहीं, अपने पैसों के बल पे ये गेम जीतना चाहते थे। जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं भी इस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया गया हूं, तुम्हें खुशी के मारे पागल हो रहा था। 8 साल की लंबी कोशिश के बाद मुझे सेलेक्ट किया गया था। ये खुशी विशाल के साथ बांटने के लिए मैं बहुत बेचैन था, इसलिए मैंने विशाल के घर फोन किया। मैं चेस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गया हूं यार। लेकिन मेरे सिलेक्शन के लिए मेरे अंकल ने 5,00,000 रुपए दिए हैं। भाई, सब पैसों का एक खेल है। आनंद, तेरी दाल नहीं गलने वाली। विशाल की बातों से मेरे अंदर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सिर्फ पैसों के बल पर वो घर बैठे बैठे उस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो चुका था। क्या मतलब था मेरी इस खुशी का? क्या नतीजा निकलने वाला था मेरी 8 साल की मेहनत का? हिसाब में चलते हुए मैंने विशाल की कत्ल का प्लान बनाया, और वो एक्सीडेंट की कोशिश भी
मेरे ही उस प्लान का एक हिस्सा थी। और वो एक्सीडेंट की खबर देने के लिए तुमने मुझे विशाल के नाम से टेलीफोन किया। इंस्पेक्टर साहब, अभी भी मुझे मेरा एक्सीडेंट करके मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहे हो तुम? मैं चेस चैंपियन विशाल बोल रहा हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि दोबारा विशाल की तरफ से आपको फोन करके इस गलतफहमी में डाल दूं कि विशाल 9:30 बजे तक भी जिंदा था। और यही आवाज जब मैंने आंसरिंग मशीन पे सुनी तो मुझे यकीन हो गया कि कातिल तुम ही हो और तुम्हारा अगला शिकार श्रीकांत है, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटर्स की वो लिस्ट देख ली और उसके बाद तुमने विशाल को डराना धमकाना शुरू किया, उसे मेंटली डिस्टर्ब करने की। हाँ, और वो धमकी से भरा खत भी मैंने ही अंदर फेंका था ताकि मैं पुलिस प्रोटेक्शन के बहाने उस घर से बाहर निकल सकूं। फिर कुछ ही देर के बाद मैं खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। कौन है, कौन है वहां? आनंद, तू? हाँ मैं। क्या बात है, घर नहीं गया तू? चल अच्छा हुआ आनंद तू आ गया, वैसे भी घर में अकेले अकेले दिल घबरा रहा था। क्या कमाल का प्लान बनाया था तुमने मिस्टर आनंद, लेकिन विशाल के बंगले की खिड़की के बाहर उस पेड़ ने तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दिया जिसके आजकल पत्ते झड़ रहे हैं, वो छोटे छोटे पीले पत्ते। मेरा दूसरा सुराग बना वो सेल फोन का रिकॉर्ड, जहां से पता चला कि 9:30 बजे तुम्हारे सेल फोन से किसी ने पुलिस स्टेशन फोन किया। विशाल के नाम से तुम्ही ने उस फोन से फोन किया। मैं तुम्हें विशाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। श्रीवास्तव पकड़ो इसे। आते वक्त मेरी दवाई लेते आना, मेरी तबीयत फिर बिगड़ रही है, दवाई भी नहीं है, स्लिप तो लेके गया था ना तू? श्रीवास्तव, इस पर्ची में जो दवाइयां लिखी हैं आनंद की मां के घर पहुंचा देना। और जब अपना हक जायज तरीके से न मिले तो उसे नाजायज तरीके से छीनना पड़ता है। एक नाजायज बेटा और कर भी क्या सकता है।